देश तो बोल ही रहा है, परंतु कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहा है कि अब की बार ये बात वो लोग भी बोल रहे हैं। 604 सीटें 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो रात दोपहर के 2 बजे ये देश 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। अब मैनिफेस्टो भी निकाला, मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा कि हम न्याय करेंगे। अरे न्याय भी आपकी डिक्शनरी में नहीं है। अरे कांग्रेस के नेताओं को आज मैं यहाँ होटल की सरकारी के अंदर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि हमारे बीच में इस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं और वे बात बोलते हैं न्याय की। भाइयों ये न्याय नहीं, आपने तो लगातार लोगों के साथ अन्याय किया है। न्याय तो ये होता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपके समय में अभी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने बात किया है, इन्होंने कहा एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए पूरे गांव को मंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, विधायक के चक्कर काटने पड़ते थे, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, परंतु आज किसी युवा को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के घर बैठे युवा को रोजगार मिल रहा है, ये न्याय है। कांग्रेस के समय के अंदर अन्याय था। भाई यार किस मुंह से इस बात को करते हैं? अरे हमारा नौजवान साथी हमारी रक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, ये न्याय था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस पत्थरबाजी को भी समाप्त कर दिया, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते, ये न्याय है। भाई ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है प्यारे प्रधानमंत्री जी ने, ये लोग बोलते हैं किसान की हालत खराब है, भाइयों उसकी मजबूती के लिए एक भी कोई कदम अगर कांग्रेस ने उठाया हो, भाइयों वो स्वार्थ नहीं करे, वो बताए देश के किसान को बताए कि हमने उनकी मजबूती में ये काम किया है। मैं 10 वर्षों के नरेंद्र मोदी के 10 काम जो किसान की मजबूती में उठे हैं आपके बीच में रख सकता हूँ। भाइयों जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी जिसकी चर्चा भी की है, कांग्रेस का अगर 10 साल का 2014 से पहले का शासन देखे मात्र 1100 करोड़ रुपए दिया, नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने हमारे हरियाणा के किसानों को 12000 करोड़ रुपया अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है तो उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम किया है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर स्प्रिंकल वाटर ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचा करके उसकी पैदावार बढ़ाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे रेपर है, बिल्डर है, रोटावेटर है, ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान तक लाभ पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। चाहे गरीब व्यक्ति को, मैं तो देखता था एक दिन राहुल गांधी दिल्ली के अंदर बैठ करके उसको कोई पर्ची दे देता है लिख करके, वो बेचारा बोल देता है पढ़ करके, प्रेस के अंदर बोला कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा देश के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज इस औरंगाबाद गांव के अंदर हूँ, ये बड़ी जनसभा है। राहुल गांधी साहब अगर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, ये सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है कि मेरे औरंगाबाद का गरीब व्यक्ति भी जा करके वहाँ इलाज करा सकता है, आपके बेड के साथ करा सकता है, ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। भैया हमने समझना, इन 10 वर्षों में भारत का एक नया इतिहास लिखा गया है,
बात करें, चाहे ये फोर लाइनिंग रोड की बात हो। मैं जब आता था 2014 से पहले, अरे पलवल के अंदर ही तीन तीन घंटे लग जाते थे, चार चार घंटे लग जाते थे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर रेलवे एलिवेटेड। भाइयों, ये यहाँ एलिवेटेड रोड बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। जनरल एयरपोर्ट को जोड़ने का काम एलिवेटेड रोड के साथ ये हमारी सरकार ही कर रही है भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है भाइयों, वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है और हमारे नेता का नियत भी साफ है। हमारे नेता की नियत भी सही है और इस देश का नेतृत्व भी आज सही हाथों के अंदर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ना तो उनकी नियत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है। उनके नेतृत्व का तो आज तक पता ही नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कहाँ है भाई। ये इस प्रकार का जो शासन तंत्र है भाइयों, कांग्रेस ने किया है। मैं आज आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने भाइयों इस देश को एक नई दिशा दी है, देश की समस्याओं का समाधान किया है, आइए मिल करके यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके कृष्ण पाल जी को जो 400 पार का नारा दिया है उसके अंदर शामिल करने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आज मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में आज आप सब के बीच में आया हूँ और आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी आप लोग आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक एक बात सुनना ये मेरा दायित्व है और उस समस्या का समाधान करना ये अधिकारियों का दायित्व है। एक भी अधिकारी इधर उधर की बात नहीं करेगा, आपकी बात को सुन करके भाइयों उस काम को करने का काम करेगा। अब तक आप सुधार कर दीजिए, नहीं तो बाद में हम सुधार कर देंगे। हमने कहा है कि अगर कहीं आपको कमी लगती है, मनोहर लाल जी ने बहुत ही मजबूती से काम किया है, ऐसी ऐसी योजना बना करके हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक लाभ मिलने वाला है। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको 4 तारीख तक दुरुस्त कर दीजिए, नहीं तो 4 तारीख के बाद आकर के हम दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। हमने ये भी बात कही है कि भाई जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों से भी आग्रह है कि जो फोन के ऊपर लोगों को धमकी देते हैं वो अपने में सुधार कर लें, नहीं तो ये सुधार भी हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं आज इस मंच से ये बात कह रहा हूँ और ऐसा सुधार करेंगे। मैं एक बार ये 2000 मेरे ख्याल से 15-16 की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में चला गया, एक कार्यक्रम था बड़ा, जनसभा थी और जनसभा के बाद जब मैं उतर करके चलने लगा तो कुछ बुजुर्ग आए मेरे पास और कहने लगे मेरे को आके, मैं मंत्री था हरियाणा सरकार में,